पर कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मेरा नाम फरीद अहमद है और मैं यहाँ 2012 से काम कर रहा हूँ। और आपको कैसा लग रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम करके? देखिए, मुझे यहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं पूरे दिल से काम करता हूँ क्योंकि ये मौका शायद बहुत कम लोगों को मिल पाता है यूनिवर्सिटी की खिदमत करना। हम यहाँ जॉब करते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन दिल का जज्बा है कि यूनिवर्सिटी की खिदमत करना जी। और आप सैयद अहमद खान की कौन सी बात आपको इंस्पायर किया? सबसे बड़ी चीज़ उनकी मुझे ये अच्छी लगती है कि उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाया। इन जो एजुकेशन उन्होंने आगे बढ़ाई है, उससे इंसानियत को सुधरने का मौका मिला है। जो पहले लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, आज वो भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है, तो बहुत कम मतलब ऐसे होते हैं जो यहाँ की पढ़ाई, बहुत बाहर के लोग पढ़ाई को एफर्ट नहीं कर पाते, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर सभी आ सकते हैं, आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी माली हालत सही नहीं है? उनको तो यही मैं कह सकता हूँ कि वो कोशिश करें और क्या कहते हैं, टेस्ट अपना क्वालिफाई करें। अगर वो कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे उनका एडमिशन भी होगा और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, अगर मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ के लोग भी ऐसे बच्चों की मदद करते हैं जो जाहिर नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों की मदद करते हैं। अच्छा, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक मैसेज ये भी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन में क्या देना चाहेंगे, मैसेज वो क्या है जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे 201 सेलिब्रेशन ऑफ सर सैयद अहमद खान के, इस पर अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी अवाम को, दुनिया की पूरी अवाम को? देखिए, मेरा मैसेज सिर्फ यही है आवाम को कि इंसानियत से रहें, इंसान के जज्बातों को समझें। हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं होता, पढ़ें और आगे बढ़ें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जो एमयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, एमयू का नाम रोशन करें, अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अदर यूनिवर्सिटीज़ का नाम रोशन करें। कुल मिला के ये है कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इजाज है और मैं सीसी में एम्प्लॉय हूँ। मेरा साउंड असिस्टेंट की पोस्ट है और कैनेडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो सब हम लोग हैंडल करते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता है जी। तो आप सैयद अहमद खान के 201 सेलिब्रेशन में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग हर साल मतलब 3 साल से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा हुआ है और मैं चाहूँगा इस बार और अच्छे से और करें और मेहनत करें और उसका नाम रोशन करें। उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स करते हैं वो काफ़ी और अच्छे पोर्ट्रेट वगैरह बनाएं उसमें, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के उसमें दिखना चाहिए कुछ, यहाँ कुछ अलग है इस बार सैयद अहमद खान के लिए कुछ नया करते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ जैसा नालायक दुनिया में कौन होगा कि पांव पर की तबाही हो और मैं उनकी जायदाद से करता अमल से याद। अरे ओ सैयद अहमद, आज तेरी हमें
में जाते हैं और कोई उसको निकालने वाला है। तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत है, आप गवा रही है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा जिसे मुख ना कह सके। कब तक आप इन जाहिलों के लिए अपनी हस्ती अपना नाम निशान क्यों नहीं मिटाते रहेंगे? कब तक? ये कोई ऐसा नहीं मानने वाले। वो नौबत है जिसके लिए हम यहाँ स्टेज पर खड़े। मेरे बेचैन दिल को कुछ करार सा मिल गया है, मैं अब हमेशा के लिए खामोश हुआ चाहता हूँ। हाँ, हमने आज लगाया है, ये एक दिन तनावर दरख्त बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाफर हसनैन और मैं एमी ड्रामा क्लब का एक मेंबर हूँ। अभी हम लोगों ने फिलहाल एक ड्रामा तैयार किया था सर सैयद अहमद खान पर, जिसमें मैंने मिर्ज़ा गालिब का रोल अदा किया था। तो उस रोल को अदा करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मिर्ज़ा गालिब का जो उनकी ज़िंदगी में एक जो रोल था, एक किरदार जो उन्होंने निभाया, और वो किरदार, उस किरदार ने सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी का जो मोड़ और रुख बदला, वो इस तरह बदला कि एक नज़्म लिखी थी मिर्ज़ा गालिब ने सर सैयद अहमद खान के लिए, कुछ इस तरीके से था। उसका तर्जुमा जो है वो मैं आपको तर्जुमा बता सकता हूँ कि उसके तर्जुमे में कुछ इस तरीके से था कि आप ये जो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खान उस वक्त जो है ना बिल्डिंगों पर किताबें लिख रहे थे, तो उस पर उन्होंने ये लिखा था कि आप जैसे काबिल लोगों की ज़रूरत बिल्डिंगों के लिए नहीं है, बिल्डिंगों में अपना या जितनी भी इमारतें उसमें अपना जो भी हुनर है वो खर्च ना करके आप अपनी कौम की तरफ रुख करें, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी का, जब उन्होंने कौम की खिदमत का बेड़ा उठाया और वहाँ से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मोड़ा। तो फिर वहाँ से उसके बाद फिर पढ़ाई की शुरुआत करी, पढ़ाई शुरुआत हुई बच्चों की, और इसी तरह ये रहा कि उन्होंने अपना पहला सोसाइटी को, जो सोसाइटी थी उनकी, उसे इंट्रोड्यूस कराया। उसमें ये कहा गया कि एक हाथ में दीन होगा और एक हाथ में साइंस होगी, एक हाथ में कुरान शरीफ होगा, एक हाथ में साइंस होगी, उसको लेकर बच्चे चलेंगे। तो उसी का नतीजा है कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर तरीके के कोर्सेज करवाने के साथ साथ बाकायदा दीनी तालीम भी दी जाती है। तो ये शुक्रगुजार हैं हम सब, हम सारे जितने भी तालिबे इल्म हैं, हम शुक्रगुजार हैं सैयद अहमद खान के कि उन्होंने ये इदारा बनवाया, जिसकी बदौलत आज बड़े से बड़े उलेमा, बड़े से बड़े जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं इस वक्त कायम, वो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बहुत सारे गवर्नर जनरल जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये मैं बहुत कहना चाहूँगा कि उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। सर सैयद अहमद खान ने तालीम को बहुत बढ़ावा दिया था और हुनर को भी बहुत बढ़ावा दिया, टैलेंट अपना दिखा। उसके बारे में बस यही है कि उन्होंने यहाँ तक कि जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदा मांग रहे थे, चंदा मांगने में उन्होंने नौटंकी भी करी थी। नौटंकी करने के पर वो जो चंदा आया था, जो पैसे लोगों ने फेंके थे, वहाँ तक उस पैसे को भी इस यूनिवर्सिटी में लगाया। तो टैलेंट अगर वहाँ से देखा जाए तो उसके बाद जो है ना देखा जाए तो कैनेडी ऑडिटोरियम, कैनेडी कॉम्प्लेक्स है, बाकी डी सी प्रेमिसेस है, ये भी एक उनके जहन में था कि बच्चे, यहाँ तक कि हाँ एक था कि डिबेटिंग के खिताबात से रूबरू हो, उसके लिए सोसाइटी भी खोली थी लोगों ने, और आज जो हमारा डिबेटिंग क्लब है उसका ही उसका एक जो है अक्स है जो पहले खुला था। तो आज हम लोग ड्रामा भी करते हैं, आपका मतलब बहुत अच्छा है, मुझे अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, ये चीज़ ऐसा है कि उस लगे आप कंटिन्यू।
बन सकता है, तो वो करे क्या? कहीं भी कोई रास्ता दिखाने वाला तो है नहीं, मजाक उड़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं, खासतौर से एक्टरों का। इसीलिए जो जो नौजवान है जो एक्टर बनने का सपना देखते हैं वो अपने दिल में ही छुपा के रखते हैं इस राज को, किसी से कहते नहीं है क्योंकि फौरन मजाक उड़ा दिया जाता है। मेरे ख्याल से दो चार होंगे ऐसे दूसरे इलाज में। तो मैं जब आया मुझे नहीं मालूम था, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं अपने भाइयों की तरह और तालीम पाऊं, खानदान का नाम रोशन करूं। मेरे बड़े भाई IIT में पढ़ रहे थे, दूसरे बड़े भाई MBA में थे। मैं सुना असद और पूरे अलीगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, NRC हों चाहे वो हॉस्टलर हों, सबसे मैं ये कहूँगा कि सर सैद ही सरजमीन है और सर सैद ने एक तोहफा दिया है हमें कि हम अपने आप को ग्रूम कर सकें, एजुकेशन हासिल कर सकें। तो मैं सब आप लोगों से यही कहूँगा बस कि सर सैद डे आने वाला है और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और बेस्ट जो हो सके अपने जो टैलेंट है उस टैलेंट को आगे निकालें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट हैं, सब अपने आप में काबिल लोग हैं, तो कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अपना बेस्ट दें और ससैया साहब का नाम रोशन करें, AMU का नाम रोशन करें। हैप्पी ससैया। सलाम मलिक, मेरा नाम आफिया रहमानी। और आप तो कहाँ से वो स्टूडेंट कहाँ के? सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, प्लस टू सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स। आप दोनों वहीं से हो, चलो ठीक है। तो आप लोगों को कौन सी बात सर सैयद अहमद खान की अच्छी लगी थी? सर सैयद अहमद खान ने के पास कुछ भी नहीं था और अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारे बच्चों के लिए यहाँ पे जो जिनके पास टैलेंट था उनके लिए बहुत कुछ किया है। इतना बड़ा इदारा उन्होंने खड़ा किया है यहाँ पे, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमें उन्हें सब मतलब अब जो है अब तो वो है नहीं सर सैयद अहमद खान हम लोग को, लेकिन वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें उसी के लिए सपोर्ट करना चाहिए जो बच्चे मतलब कि पढ़ाई में मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना नहीं होता है, तो क्या कहते हैं हमें उनके लिए करना चाहिए कुछ।